यहाँ अपने आप को संभालना, कैसे व्यवहार करना वंचित ऊपर। इसलिए उसने कहा एक बाप को याद करो, एक घर को याद करो, आने वाली दुनिया को याद करो। मतलब सेफ, सेफ, क्योंकि हाईएस्ट वाइब्रेशन को याद किया। तो सारा दिन में जैसे ही मन किसी और के बारे में सोचने लगे, तुरंत फुल स्टॉप बैक, तुरंत। नहीं तो ध्यान नहीं दिया तो पता नहीं कितनी देर कोई और रह रहा होगा हमारे माइंड पे। तो जब कोई और आता है यहाँ तो हमारी स्थिति अफेक्ट होती है, हमारा व्यवहार अफेक्ट हो जाता है, हमारे बोल अफेक्ट हो जाते हैं। तो अटैचमेंट उतनी सूक्ष्म है। कई बार लोगों की एक दूसरे से बातचीत बंद हो जाती है लेकिन मन पे उनके साथ ही रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा अटैचमेंट उनसे ही है जिनसे बात नहीं कर रहे, अटैचमेंट है ना उनसे, वो अटैच्ड है यहाँ पर। तो जिसको जितना याद कर रहे हैं हम उससे अटैच्ड हैं। तो हमें अपने आप से पूछना होगा मुझे इनसे क्या चाहिए, प्रोजेक्ट कौन सा था, प्रोजेक्ट कौन सा था। कभी हम साक्षी होकर अपने आप को देखें ना, प्रोजेक्ट कौन सा था और कौन सी बात में उलझे, कौन सी बातों में उलझते हम सारा दिन में। सपोज मैं इस बात में उलझ जाऊं ये ग्लास ऐसे रखा क्यों, प्रोजेक्ट कौन सा था, प्रोजेक्ट कौन सा था, सत्युग, और मैं इसमें डिस्टर्ब हो गई ये ग्लास इसने ऐसे रखा क्यों, डिस्टर्ब हो गई। ठीक रखने को बोला हमें प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टर्ब हो गई, डिस्टर्ब हो गई। तो फिर मुझे अपने आप से क्वेश्चन करना पड़ा उसने मुझे चुना क्यों और मैंने किया क्या, मैंने किया क्या। आज सुबह इतना सुंदर प्रोग्राम किया, इतनों बैठे, इतनी सफाई हुई, इतनी गाड़ी पाकी, ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा है। लेकिन सब कुछ करते हुए यहाँ संभाल रहे हैं, यहाँ लाइट है, क्योंकि हम कहते हैं बाबा की सेवा है, बाबा करवा रहा है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, घर का काम भी वैसे ही करना है, ऑफिस का काम भी। हम घर जाके कहते हैं खाना बनाना है, सेंटर आते कहते हैं बाबा को भोग बनाना है, फर्क नहीं होना चाहिए। सेंटर आते हैं थकते नहीं, हंस हंस के स्माइल करते हुए उमंग, हमें घर जाते थे खाना बनाना, बड़ी थक खाना बनाना, लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही, अब आ जाएंगे बच्चे स्कूल से, खाना तो बनाना। ये स्थिति बदल गई, सेवा कुछ घंटों की नहीं हो सकती अब, सेवा तो 24/7, क्योंकि सत्युग सेंटर पर खाना बनाने से नहीं होता, सत्युग खाना बनाते समय यहाँ कैसे है उससे होता है। तो किसी ने अगर ध्यान दिया तो वो पूरा दिन कहाँ भी खाना बनाए वो सत्युग स्थिति में है, और किसी ने अगर ध्यान नहीं दिया वो सेंटर पे खाना बनाते समय कुछ गलत सोच सकता है, तो वो तो सेंटर पे भी सेवा नहीं कर रहे फिर। तो सेवा यहाँ नहीं होती, सेवा यहाँ होती है। सत्युग वो स्टेडियम में प्रोग्राम करने से नहीं बन सकता, लेकिन स्टेडियम में प्रोग्राम करते हुए स्थिति कैसी थी, वाइब्रेशन कौन से फैलाए, सारे जो आए उनको कौन सी एनर्जी मिली, सत्युग उससे बनता है। इसलिए बाबा कहते हैं सेवा करो, क्योंकि सेवा करते हुए हम अपनी स्थिति का ध्यान रखते हैं। लेकिन अब हमें सारा दिन सेवा करनी है। जब सारा दिन स्थिति अच्छी होगी तो रात को सोने के टाइम भी स्थिति अच्छी होगी। इसीलिए बाबा कहता है मम्मा रात को सोती भी कैसे थी, क्योंकि मन कैसा था, स्थिर। तो ऐसी आत्मा रात को भी कौन से वाइब्रेशन फैलाएगी वायुमंडल में, वही। जब 9 लाख आत्माएं 24 घंटा सत्योगी वाइब्रेशन फैलाएंगे तब तो वो 0.001 वो 800 करोड़ के ऊपर हावी हो जाएगा, हावी हो जाएगा, ओवर पावर कर देगा उसको, और वो 0.001 सृष्टि को बदल देगा। क्या पावरफुल है, पावरफुल है।
और उसने हमको उसके लिए सिलेक्ट किया है. लेकिन हमें चलते फिरते अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा उसने हमको किस चीज़ के लिए सिलेक्ट किया है. दुनिया में बहुत सारे अलग अलग तरह के कर्म हो रहे हैं इस टाइम, व्यवहार भी अलग अलग बहुत सारे हैं, आने वाले समय में और भी होंगे. बाबा ने तो पहले ही बताया, क्या आपके पास कलयुग के एंड की सीन को देखने की ताकत है, बोला ना बाबा ने. तो एंड की सीन को देखने की ताकत मतलब एंड में वाइब्रेशन क्या हो जाएंगी सारी, बिल्कुल बिल्कुल लो, जो सोचा नहीं था वो होगा, जो कोई सोच नहीं सकता होगा वो होगा सृष्टि के ऊपर लोएस्ट. अभी भी बहुत कर्म हो रहे हैं जो सोच नहीं, कोई बोलता है हम सोच नहीं सकते थे ये ऐसा कर सकते हैं, लोएस्ट. लोएस्ट में रहते हुए अपने आप को बचा कर रखना है, संभाल के रखना है. हम सब फोन यूज करते हैं, व्हाट्सएप भी यूज करते हैं, उसमें बहुत सारे कलयुग के मैसेजेस आते हैं. कोई जोक आ गया, कोई पोइट्री आ गई, कोई शायरी आ गई, कोई इधर उधर की कॉमेडी आ गई, कोई न्यूज़ आ गई, कोई कुछ ऐसे बैठे बैठे देखते रहते हैं. जितनी देर हम उसको अंदर जाने दे रहे हैं अपने अंदर, हम कलयुग की वाइब्रेशन की तरफ. बाबा मुरली में कहते हैं पिक्चर नहीं देखना, हम नहीं देखते. नॉवेल नहीं पढ़ना, हम नहीं पढ़ते. बाबा ने थोड़ी बोला व्हाट्सएप नहीं देखना. तो श्रीमत तो मेरी टिक हो जाती है रात को चाट के अंदर. उसका मीनिंग क्या था कि कलयुग की कोई भी चीज जो हमारी स्थिति को कलयुग की तरफ नीचे खींचेगी वो नहीं सुनना, नहीं पढ़ना, नहीं देखना. तो हमें बहुत ध्यान रखना है. उसको अगर अपने अंदर भरेंगे हम उसकी तरफ खिंच के चले जाएंगे, चले जाएंगे. आप सिर्फ थोड़े दिन पढ़ लो. इस समय बहुत रिस्की समय से चल रहे हैं, बहुत रिस्की है. कई भाई बहने सब अच्छे चलते चलते सडनली कंफ्यूज हो जाते हैं आप, क्योंकि बैठे बैठे इसका भी पढ़ लिया, उसका भी देख लिया, उसका भी सुन लिया, वो भी बात राइट कह रहा है, वो भी ये कह रहा है, गॉन गॉन. तो इसलिए इस पे भी मर्यादा मर्यादा. जैसे हम कुछ और खाते नहीं, ऐसे ही हमें ऐसा कुछ और देखना, पढ़ना, सुनना नहीं. देह अभिमान, देह बॉडी कॉन्शियसनेस की वाइब्रेशन है उसके अंदर. जिसके अंदर बाबा नहीं, बाबा की वाइब्रेशन नहीं, उस तरफ हमने जाना नहीं. तो बहुत ध्यान से फोन को यूज करें. गीत चल रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, नहीं, अंदर नहीं जा सकता ऐसे. क्योंकि कलयुग का ये सीन, उस साइड टीम भी पावरफुल है और नेगेटिव भी बहुत है और संख्या भी ज़्यादा है. तो इस समय में अपने आप को ऐसे संभाल के ऐसे ऐसे निकल जाना है ये कलयुग से. टक नहीं जाए कहीं, उस अपने आप को याद दिलाना है कि मुझे इस रास्ते से क्या करना है. लेकिन उसके लिए संभालना पड़ता है. खाना खाने से पहले हम सब बाबा को याद करते हैं, सब करते हैं. कोई भी गलती से बिना बाबा को याद किए खाना खा ले. नहीं, फ्रूट खाने से पहले, बादाम खाने से पहले सुबह, दवाई खाने से पहले, पानी पीने से पहले बाबा ने बोला खाना खाने से पहले बाबा को याद करो. मतलब मीनिंग क्लियर था, कुछ भी खाने से पहले बाबा को याद करो. उसका भाव समझना है, मीनिंग समझना है, उसके पीछे का रीजन समझना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना. तो
तो खाना खाने से पहले बाबा को याद करो, मतलब वो कहाँ कहाँ की वाइब्रेशन से सब्जी आई, अनाज आया, ये हुआ, बनाते समय में अगर किसी का कुछ चला गया तो खाना खाने से पहले क्या करो, याद करो और उसके अंदर संकल्प डालो, मैं सत्यु की आत्मा हूँ। पानी कहाँ से आया, वो भी तो शहर का है। आज आपने सुबह एक एप्पल उठाया खाया, वो कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ उग रहा था, वहाँ कोई गुस्सा कर रहा था, फिर मंडी का तो क्या हाल होता है, मंडी का क्या हाल होता है, कितने प्यार से सब बात कर रहे होते एक दूसरे से वहाँ पे। तो हमारा एप्पल वहाँ पड़ा था ना, उसने वो सब चिल्लाना, शोर मचाना, वो चीखना, वो अब्सॉर्ब कर लिया। मैं सुबह सुबह आए, एप्पल उठाया, खा लिया, थोड़ी देर के बाद मैंने ज़ोर से बात करना शुरू कर दिया, फिर मुझे गिल्टी हो गया, मैंने सुबह आज डिसाइड किया था मैंने गुस्सा नहीं करना, बाबा ने मुरली में बोला भी था आज गुस्सा नहीं करना। मैंने गुस्सा कैसे किया, क्योंकि मैंने वो मंडी से आया हुआ वाला एप्पल खा लिया बिना उसको, जैसा अन्न वैसा मन, मतलब सिर्फ नाश्ता दोपहर का लंच और रात का नहीं, मतलब हर अन्न, कोई भी चीज, इतनी एक दाना भी अंदर नहीं जाना चाहिए बिना पानी, पानी एक बूंद अंदर नहीं जाना चाहिए, दूध, चाय, लस्सी, कुछ भी, हर चीज़ बाबा की याद से खानी है, उसमें बाबा की याद और उसमें सत्युग की एनर्जी डालकर फिर उसको खानी है। क्योंकि जितना कलयुग नीचे होता जाएगा, हर चीज़ दूषित है, दूषित है ना। मिनरल वाटर की बॉटल कहाँ से आती है, मिनरल वाटर की बॉटल है कहाँ से आती है, पहले तो वो पानी कहाँ से आया, फिर वो फैक्ट्री, फिर दुकान। सिर्फ एक दिन साक्षी होकर देखो दुकान जिसमें वो मिनरल वाटर की बॉटल्स पड़ी होती हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कितना कैसा, फिर हमने बॉटल उठाई, खोला, पी लिया, अब्सॉर्ब, फिनिश्ड। तो एक धारणा पक्की करने, मुझे मुख में कुछ भी डालना नहीं, ऐसे ही बच जाएंगे, ऐसे बच जाएंगे, मुझे मुख में कुछ भी डालना नहीं बिना। और उतनी बारी कर लिया ना तो कितनी बार बाबा याद आ जाते हैं, क्योंकि दिन में तो चलते फिरते कितनी चीज़ें, वो इतना भी उठाया ना तो रुकना है, इतना भी उठाया तो रुकना है, उतना भी कर लिया ना तो सारा दिन में बाबा की याद क्या होने लगती है, कांस्टेंट, कांस्टेंट। और कलयुग वाइब्रेशन से अपने आप को क्या कर लेंगे, बचा लेंगे। तो जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये पांच चीज़ें ही हैं जिससे कलयुग का वाइब्रेशन अंदर जा सकता है, पांच, सुनते, पढ़ते, देखते, खाते, पीते, इससे कलयुग का वाइब्रेशन अंदर जा सकता है। इसको अगर प्रोटेक्ट कर लिया तो कलयुग का वाइब्रेशन हमारे अंदर जा नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। लेकिन वो प्रोटेक्शन को अब और भी स्ट्रॉन्ग, घर में भी परिवार को खाना खिलाते समय, पानी पिलाते समय उसमें वाइब्रेशन डालो, ये सब बाबा के बच्चे हैं, ये सब बाबा के बच्चे हैं। किसी को ये नहीं बोलना ये तो ज्ञान में नहीं है, कभी भी नहीं, थॉट में भी नहीं, ये तो ज्ञान में नहीं है, ये लाइन रॉन्ग है। हम तो और भी स्ट्रांगली बोलते हैं, ये तो ये हरे कौन है, ये बाबा के बच्चे हैं, हमारे संग में जो जो रह रहे हैं वो बाबा की वाइब्रेशन के संग में रह रहे हैं, क्या फॉर्च्यून है। ये सत्युगी आत्माएं हैं, हमारा घर ही सत्युग है, फैलाते जाओ। हम उनको बोलते हैं सेंटर आओ, नहीं आते सारे, तो हम सेंटर को घर ले जाएंगे, फिर किधर जाएंगे वो, फिर वो किधर जाएंगे,
हम बोलते हैं आओ ना बाबा के रूम में बैठो, आओ ना बाबा के रूम में बैठो, नहीं आते हम बाबा के रूम का वाइब्रेशन घर लेकर जाएंगे, वो किधर जाएंगे? तो हमारी जिम्मेवारी है, हम ये नहीं कह सकते वो नहीं आते, हम ये कह सकते हम उतना बना नहीं रहे उधर स्ट्रांगली, लेकिन वो नहीं आ रहे कहकर हम उनको रॉन्ग एनर्जी भेजते हैं। सेवा और बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा अगर हर बच्चे का हर घर स्वर्ग बन गया तो। कलयुग के अंदर सत्युग के मॉडल दिखाने पड़ेंगे, ये सत्युग का मॉडल है, और जब घर बिखर रहे हो तो स्वर्ग वाले घर अगर दिखा दिए हर एक आ जाएगा। और वो सब जो लेबल लगे थे, यहाँ जाने से ऐसा होता है, यहाँ जाने से ऐसा होता है, नए लेबल लगने का समय आ गया। कौन सा लेबल लगना चाहिए? यहाँ जाने से क्या लेबल लगे? यहाँ जाने से, जोर से बोलो ना अच्छे से, यहाँ जाने से हमारा परिवार, तो फिर जिसका भी परिवार हिल रहा होगा थोड़ा भी, वो यहाँ आ जाएगा। और आज तो मेजॉरिटी परिवार थोड़े थोड़े हिल रहे हैं, लेकिन वो कैसे होगा? हम वो बना के दिखाएंगे कि यहाँ जाने से परिवार जुड़ जाते हैं, सिर्फ हम नहीं हमारा पूरा परिवार। तो अब जो सेवा है, प्रत्यक्षता है, वो घर में रहने वाले घर को स्वर्ग बनाकर प्रत्यक्ष करेंगे, करना है। इसलिए बाबा ने कहा संतुष्टता का सर्टिफिकेट किस किस से लेना, इसलिए उसमें उनका नंबर आता है। घर में जाकर हम कभी कभी साधारण हो जाते हैं, तो एक्चुअली जो बेस्ट सर्टिफिकेट मिलने वाला है ना फाइनली, वो घर से। कई बार घर वाले आते हैं सेंटर पे, हम कहते हैं आपकी योगल बहुत अच्छी है, बता कहता आप एक बार घर आना हमारा, घर आकर देखना आप एक बार। तो घर में ट्रू पर्सनालिटी होती है, तो विच इज गुड, वो घर है हमारा, वो हमारा कंफर्ट जोन हो जाता है। लेकिन कंफर्ट जोन में जब सत्योगी संस्कार होंगे, मतलब सत्योगी संस्कार हो गए, घर की जो पर्सनालिटी होती है वो हमारी एक्चुअल पर्सनालिटी होती है। तो घर में जब सत्योगी संस्कार हो गए, तो इसलिए बाबा ने कहा उनका भी सर्टिफिकेट, जब वो कहें ये सत्योगी हो गए, तब हम सत्योगी हो गए। तो घर पे रहने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी, हमारा घर और हमारा काम का क्षेत्र, वहाँ पे हम सेवा पर हैं, सेवा पर है ना, हर जगह सेवा पर है। बाबा के बच्चे एक्यूरेट, उस दिन हम गाड़ी में थे कहीं सेवा पे, 2-3 दिन पहले, खाली सड़क थी, रेड सिग्नल था, बहन बोली चलो, मैं बोला रेड सिग्नल है बहन, कहती कोई नहीं देख रहा, ये चेकिंग है। हम कोई कर्म ऐसा कर नहीं सकते, किसी के देखने के लिए नहीं है ये, मेरी आत्मा की विल पावर के मैं मर्यादाओं को तोड़ के क्यों जीवन जी रहे हम? जब हम देश के नियम को फॉलो नहीं कर पाएंगे तो ईश्वरीय नियम को कैसे फॉलो करेंगे? हम कहते हैं हम ईश्वरीय नियम तो फॉलो कर रहे हैं, रेड सिग्नल तोड़ने में क्या चाहता है? ऐसा नहीं होता। नियम मीन्स नियम, हमें हर नियम फॉलो करना है, देश का नियम, कानून का नियम, ईश्वरीय नियम। कहीं हमारा बिजनेस करने का तरीका, कहाँ हमारा काम करने का तरीका, उस सब में भी सेवा हो रही है, थोड़ा भी उसमें नहीं। आजकल दुनिया में थोड़ा तो करना पड़ता है, हम कलयुग वाली टीम में नहीं हैं, हम कलयुग वाली टीम में नहीं हैं। हमें बिजनेस भी करना है तो कौन से तरीके से करना है? सत्युग वाला। हमें बिजनेस भी सत्युग वाले तरीके से ही करना है, तब हम सत्युग बना रहे हैं। हो सकता है ना कलयुग में सत्युग स्टाइल वाला बिजनेस, थोड़ा बहुत कुछ करते जाएं, उठाते जाएं, जो चीज़ पहले मुश्किल लगती थी वो धीरे 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 इसी धन अन मन और धन, सिंपल।
तो उतनी चेकिंग, हर नियम एक्यूरेट फॉलो। तो हम कौन सी आत्मा है? हम सतयुगी दिव्य आत्मा हैं। हमारी हर सोच, हर बोल, हर कर्म सतयुगी है, सतयुगी है। रोज इसको रिपीट करना, रोज रिपीट करना, रोज रिपीट करना, तो कलयुग का वर्ड ही यहाँ से क्या हो जाएगा? डिलीट। और वाइब्रेशन में कौन सा वर्ड फिट हो जाएगा? सतयुग, सतयुग, सतयुग। बाबा ने कहा बाप समान बनने वाली आत्मा, लक्ष्मी को वरने वाली आत्मा। हर लाइन का मीनिंग क्या है? स्थिति वहाँ, वहाँ साधारण नहीं। चलो 2 मिनट अभी बाबा की याद में, साइलेंस में। सतयुगी आत्मा, आज सुबह 4000 रुपये को लगता है भाई बहने मेहमान बिल्कुल मौन में गए थे, हॉल से खाली। आज हम भी मौन से जाएंगे, हम भी मौन में उठेंगे यहाँ से। यस, टोली लेंगे सारे अभी। कहाँ से लेंगे? नीचे से लेंगे, लेकिन मौन में लेंगे, एकदम साइलेंस में। हर चीज़ सतयुग है। सपोज बाहर गए और चप्पल नहीं मिली, चेक कर लेना चप्पल से अटैचमेंट तो नहीं है। चेक कर लेना वहीं पे कि चप्पल से अटैचमेंट तो नहीं है। बाबा मिलन के बाद ही डिस्टर्ब हो जाते, चप्पल नहीं मिलती। भगवान से मिल के आए, वैष्णो देवी तो नंगे पैर जाते थे चल के, और यहाँ भगवान से साक्षात मिलकर आए, मेरी चप्पल कहाँ गई, मेरी चप्पल। अच्छा नहीं मिली तो किसी और के पहन के चले जाते फिर। अब वो अपने आप अज्यूम करते हैं उसको मेरी वाली मिल जाएगी। ये कौन सा कर्म हम कर देते हैं? हाँ, वैष्णो देवी नंगे पांव जा सकते थे, तो डायमंड हॉल से अपनी बिल्डिंग तक नंगे पांव नहीं जा सकते हम? कर्म, कर्म, छोटी चीज़ों में कर्म पर ध्यान रखना है, बड़ी चीज़ों में तो रखते ही हैं, छोटी 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 छोटी। तो चप्पल नहीं मिली तो क्या करें? वैसे तो मिलेगी सबके चप्पल, नहीं मिली तो क्या करेंगे? क्या बोलेंगे? बाबा थैंक यू, बोर हो गए थे वैसे ही, नहीं लेने का मन कर रहा था, चल। वन थॉट भी नहीं जानी चाहिए उस पुरानी चीज़ के अंदर, कोई वन थॉट अटैचमेंट है। ध्यान से रखेंगे, ढूंढेंगे, नहीं मिली डिस्टर्ब नहीं होंगे। ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान सारा दिन हर सीन में है कि मेरा मन किस किस चीज़ से। सत्युग बनाने वाले चप्पल से थोड़ी डिस्टर्ब हो सकते हैं, और अटेंशन रखा तो कभी नहीं होंगे, और नहीं रखा तो मौन में रहेंगे बिल्कुल हम सब, पक्का। घर तक, घर तक। क्या हुआ, क्या हुआ, कोई बात करनी अभी नीचे? मौन में रहेंगे, बाहर वाले मेहमान कर सकते हैं। हम तो योगी आत्मा है, वैसे ही साइलेंस का बैच लगा के पूरा पूरा दिन मौन करते हैं, तो आधा घंटा क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, क्योंकि जितना हम करेंगे और उस स्थिति में जाएंगे, हम पूरे शहर में कौन से वाइब्रेशन फैलाते हुए जाएंगे? बाबा के घर से जा रहे हैं पूरी एनर्जी में, बाबा बाबा। इवन यार ये रोज करना चाहिए, मुरली के बाद भी, मुरली के बाद हमेशा उस स्थिति में घर तक जाना चाहिए, ताकि हम मुरली को अपने साथ घर लेकर जाएं। उनको चॉइस ही नहीं होगी, उनको मुरली मिल ही जाएगी ऐसे। उतनी स्थिति को पावरफुल बनाकर, मुरली के बाद इधर उधर की बातें, इसका उसका, इधर चलते फिरते दूसरा, तो मुरली तो, मुरली को तो संभाल के ऐसे लेके जाना चाहिए ना अपने साथ ऐसा। तो बाबा के घर से तो मौन में ही जाना चाहिए हमेशा, क्योंकि उतना 15-20 मिनट वैसे भी चाहिए होता है, वो सब जो हमने भरा उसको बैठ जाने के लिए अंदर अच्छे से। इसलिए बाबा ने तो कहता नहीं, उठते हैं झाड़ते हैं तो सारा झड़ जाता है। उसका मीनिंग वही है कि उठे, दूसरी बात की, फिनिश्ड।
फिर रात को टिक कर लिया, मुरली पड़ी, हाँ टिक। अभी टिक को भी क्या करना है, थोड़ा सा गहराई से ट्रिक करना है कि मुरली पढ़ी नहीं, मुरली अब्सॉर्ब की, मुरली बने। तो मुरली के बाद हमें साइलेंस में जाना चाहिए। जो हमें दीदी से बात करनी है वो धीरे से हम जाएं, बात करें, डायरेक्शन लें, जो पूछना है वो पूछें, लेकिन दूसरी मुरली के बाद वो टाइम नहीं होता वो चीज़ें करने का। ज्ञान पावरफुल है लेकिन डीप भी है, डीप है, और उसको डीप डीप अंदर फिट। तो घर तक मौन में, घर तक मौन में दीदी ने कहा, नीचे जाते समय हम टोली लेते हुए ऐसे चलेंगे आज बाहर जैसे कि हॉल में कोई नहीं है, कोई का किसी को धक्का, कोई का ऐसे किसी को नहीं, कोई जल्दी नहीं है कहीं भी। सीढ़ी नीचे उतरने के तरीके में भी सत्योग बन रहा है, सीढ़ी नीचे उतरने के तरीके में भी हम सत्योग बना रहे हैं। और सीढ़ी नीचे उतरने में ऐसा किया और आगे जाने की कोशिश की, वो टीम का गोल कर दिया, क्योंकि वो लोग ऐसा करते हैं। तो हमें सीढ़ी भी कौन से स्टाइल में नीचे उतरनी है, सत्योग, सत्युग स्टाइल में, दूसरों को आगे करो, धीरे चलो, पीछे आराम से, एनर्जी एनर्जी बचते जाए, नहीं तो एनर्जी इधर ही खत्म हो जाए गेट के बाहर जाने से पहले। चलो सीधा